देखो भाई, आज है 12 अप्रैल 2020 और कल यानी 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करी थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। और उसमें ये तय हुआ है कि लॉकडाउन की अवधि 2 हफ्ते और बढ़ाएंगे, तो एक आध दिन में मोदी साहब इसकी घोषणा भी कर देंगे, लेकिन ये पक्का है कि लॉकडाउन बढ़ेगा कम से कम 30 अप्रैल तक। अभी जाना है, मैं पहले से भी कहता आ रहा था कि लॉकडाउन बढ़ेगा, और या फिर हो सकता है कुछ शर्तों के साथ कुछ एरिया में खोल दिया जाए या फिर इंडस्ट्री वगैरह खोल दी जाए, तो अभी ऐसा कोई आसार दिख नहीं रहा है। अगर इंडस्ट्री खोल भी देंगे तो मजदूर कहाँ से लाएंगे, वर्कर कहाँ से लाएंगे काम करने के लिए। इसी वजह से हमारी किताब भी एक फंसी पड़ी है प्रिंटिंग प्रेस में, पैसे भी हमारे जा चुके हैं, अब वो पता नहीं कब छप के आएगी। और हमारा ट्रैवल बिजनेस का काम भी एकदम बंद पड़ा है, तो और कोई काम हमारे पास है नहीं, तो अभी तो हम अपनी थोड़ी सी फिटनेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद साथ के साथ ये भी कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद क्या किया जाए, है ना। जरा सा कूदते ही हैं सांस चढ़ गई, तो मुझे एक्सरसाइज करने की आदत थी नहीं, ट्रैकिंग वगैरह भी सब बंद हुई पड़ी है। तो ऐसा था, कल मैंने अपनी फेसबुक पे एक स्टोरी डाली, अपना एक रिलेटिव है नरेंद्र, पीली सरसों का तेल बेचता था और साथ के साथ नोएडा में प्राइवेट कंपनी में नौकरी भी करता था। तो हमने पहले बहुत कोशिश करी उसकी नौकरी छुड़वाने की, लेकिन वो नौकरी छोड़ने को तैयार नहीं हुआ, तो अभी लॉकडाउन ने ये मौका उसे अपने आप दे दिया। अभी वो अपने घर पे है, उसकी फैक्ट्री वगैरह भी बंद है, तो अगले 1-1.5 महीने तो उसकी फैक्ट्री चलनी नहीं है। जमीन उसके पास अच्छी है, तो हम उसे यही डंडा कर रहे थे तो ये गंदी सी नौकरी छोड़ दे, क्योंकि फोर्थ क्लास की कोई मजदूरी टाइप की करता था वहां पे, तो इसलिए मैं उसे गंदी सी नौकरी कहता हूँ, और जानबूझ के गंदी सी इसलिए भी कहता हूँ जिससे उसे भी गंदी सी लगे और वो छोड़ दे, और अपनी जमीन पे वो थोड़ा सा फ्यूचर तलाश से। खेती में बहुत फ्यूचर है। देखो भाई, कोई भी इंडस्ट्री होती है ना, लोहे की, लकड़ की, इसकी उसकी, कोई भी इंडस्ट्री होती है छोटी बड़ी, वो अपना माल मंडियों में नहीं भेजते हैं। कोई स्टील प्लांट है, वो अपना स्टील बना के मंडियों में नहीं भेजता है, वो सीधा जो है अपने कस्टमर के पास भेजता है, समझ रहे हो ना। ये तो बड़ा लेवल हो गया स्टील प्लांट का। कोई भी छोटी सी इंडस्ट्री होगी ना, वो भी अभी जैसे कोई किताब छाप रहा है प्रिंटिंग प्रेस वाले, तो वो भी किताब छाप के मंडियों में नहीं भेजते कि चलो छाप दो भेज दो छाप दो भेज दो। अखबार वाले अखबार मंडियों में नहीं भेजते, अखबार सीधे कस्टमर को भेजते हैं। तो अगर किसान भी ये काम करने लगेंगे, सीधे कस्टमर तक अपना माल पहुंचाने लगेंगे, तो बहुत फायदा होगा। मंडियों में क्या रेट मिलता है किसान को, वो सबको पता है। देखो, किसान भी ऑनलाइन है और जो है कस्टमर भी ऑनलाइन है। सभी गेहूं की ज़रूरत सभी को है। किसान जो है गेहूं पैदा कर रहा है और गेहूं की ज़रूरत मुझे है या फिर शहर में रहने वाले लोगों को है, सभी लोग ऑनलाइन हैं, तो यार मंडियों में क्यों भेजना। अगर आपके पास 10 क्विंटल गेहूं हो गया तो 10 क्विंटल गेहूं को 10 लोगों में भेजा जा सकता है, आराम से अपने नज़दीकी शहर में भेजा जा सकता है, अच्छे रेट मिलेंगे। मंडी में भेजने का कोई मतलब नहीं बनता। तो इसलिए हमारी कोशिश ये रहती है कि किसानों को मंडी का जो लोभ है वो ख़त्म करके। तो हमने नरेंद्र को भी यही समझाया कि मंडी में तेरा एक दाना भी नहीं जाना चाहिए, सारा का सारा दाना। पिछले साल उसने 1,000 लीटर 1,000 लीटर से ज़्यादा का तेल बेचा है ना, और उसे 2 साल ही हुए सोशल मीडिया पे, वो भी अपने प्राइवेट नौकरी करते हुए। तो अगर वो पूरी मेहनत के साथ फुल टाइम अगर खेती में ही रहेगा, तो फिर वो जो अपनी परंपरागत फसलें गेहूं है, चावल है, गन्ना है, इनके अलावा दूसरी फसलें भी बोना शुरू करेगा, सब्जियों की खेती शुरू करेगा। सब्जियां तो जल्दी पैदा भी हो जाती है और उनकी रोज़ डिमांड होती है सब्जियों की, तो मंडी में भेजने की ज़रूरत नहीं है। सीधी सी बात है, नज़दीकी शहर में पहले से कस्टमर बेस बना लो अपना, है कि भाई हमारे पास, जैसे हमारे दोस्त हैं नितिन काजला, वो पहले से ही, मतलब कि अगर आज वो सितंबर अक्टूबर नवंबर में अगर वो गेहूं बोते हैं, उसी टाइम उनके पास पेमेंट आ जाता है कि जी हमें इतने कुंटल गेहूं चाहिए, हमें इतने मन जो है गेहूं चाहिए, हमें इतना चाहिए।
वो अगर गन्ना बोते हैं तो उनके पास पहले से ही कई के महीने पहले ही पेमेंट आ जाता है, पैसे आ जाते हैं, ऑर्डर आ जाते हैं कि जी हमें जो है इतने किलो गुड़ चाहिए, हमें इतने किलो शक्कर चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना मार्केट बना रखा है। उनका गन्ना मील में नहीं जाता है, उनका गन्ना जो है कोल्लू पे नहीं जाता है, वो अपने इस्तेमाल में करते हैं, अपने मार्केट को बेचते हैं। तो ये कहानी थी किसानों की। तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा अगर कोई किसान परंपरागत तरीके छोड़ के नए तरीके से अगर काम करे तो। तो अभी आजकल देखो शहर से बहुत सारे लोग गाँव में रह रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से पहुंच गए हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो शहर में फंसे हुए हैं, गाँवों को याद कर रहे हैं, और मौका मिलते ही वो गाँव में चले जाएंगे। तो मेरी उन सभी लोगों से, आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ये टाइम हमारे लिए एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है, इसका इस्तेमाल करो। मैं तो किसान नहीं हूँ, मेरे पास कोई ज़मीन नहीं है, हमारे पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है। गांव में हम लोग रहते हैं लेकिन हमारे पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है, तो इसलिए मुझे खेती का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। चैलेंजेज है खेती में, जंगली जानवरों के चैलेंजेज हैं, और जो है कीटों के, फंगस के, इन सब के चैलेंजेज हैं। चैलेंज किस इंडस्ट्री में नहीं होते हैं, हर एक इंडस्ट्री में चैलेंज होते हैं। जरा सा कार्बन की परसेंटेज कम फालतू होते हैं ना, स्टील बेकार हो जाता है, समझ रहे हो ना। स्टील कैसे बनता है, लोहा और कार्बन मिला के बनता है स्टील, और उसमें इतनी सी बहुत जरा सी परसेंटेज कम फालतू होते ही स्टील बेकार, समझ रहे हो ना। तो ऐसा है, चैलेंजेज है, चैलेंजेज का सामना आपको ही करना पड़ेगा, हमें ही करना पड़ेगा। तो ये टाइम हमारे लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढने का है, क्योंकि लॉकडाउन तो ख़त्म हो जाएगा, दो हफ्ते बढ़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि परमानेंट बढ़ गया है, ख़त्म हो जाएगा, एक महीने बाद ख़त्म होगा, दो महीने बाद, छः महीने बाद ख़त्म होगा, ख़त्म होगा, ज़िंदगी फिर से नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन हमें अब अपने अंदर झांकना पड़ेगा और नई अपॉर्चुनिटी की तलाश करनी पड़ेगी।